हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी में डॉट एग्जामिन में होम पेज को क्रिएट किए थे, तो इस वीडियो में हम नेविगेशन ड्रॉअर को क्रिएट करने वाले हैं। तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें नेविगेशन ड्रॉअर का कम्प्लीटली कोड रहेगा। तो आप ये जो देख रहे हो नेविगेशन ड्रॉअर करके, यही मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले ओपन करना है एंड इसको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ कोड ओपन हो जाएगा। मैं इसको सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है स्टेप वन इम्प्लीमेंटेशन दिस डिपेंडेंसी। तो ये ऑलरेडी डिपेंडेंसी बाय डिफॉल्ट पेस्ट होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्ड डॉट ग्रेडल में जाके। आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल के नेम से ऑलरेडी डिपेंडेंसी पेस्ट है। ओके, अगर सपोज नहीं रहती तो हमने इसको पेस्ट किए रहते हैं। अभी स्टेप टू में क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ तक इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद आपको प्रोजेक्ट में आना है, वैल्यूज में जाना है, स्ट्रिंग डॉट एग्जामिन जो सेकंड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको ओपन करना है एंड ऐप नेम के नीचे सभी चीज़ें आपको कंट्रोल से पेस्ट कर देनी है। तो आप देख सकते हो मैंने इसको कम्प्लीटली पेस्ट कर दिया। ये होने के बाद आपको क्रोम में आना होगा, स्टेप थ्री में आना होगा। तो स्टेप थ्री में क्या है, इसको करना है नो एक्शन बार। तो नो एक्शन बार करने में आपको क्या करना होगा, थीम में आना होगा, थीम डॉट एग्जामिन में आना होगा। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जब हमने स्प्लैश टैग क्रिएट किए थे तभी हमने फर्स्ट वीडियो में ही नो एक्शन बार कर लिए थे, तो इसकी अभी हमें नीड नहीं है। आपको आना है स्टेप फोर में। तो स्टेप फोर में क्या बोल रहा है, क्रिएट अ मेनू रिसोर्स डायरेक्टरी। तो आपको प्रोजेक्ट में आना है। तो एक काम कर देता हूँ, मैं सभी चीज़ों को सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। तो राइट क्लिक करना है, क्लोज ऑल टैब, ड्रॉबल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ एंड जावा फाइल को भी क्लोज कर देता हूँ, लेआउट फाइल को भी एंड वैल्यूज एंड सभी चीज़ को मैं क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, एक रिसोर्स डायरेक्टरी क्रिएट करनी है मेनू के नेम से। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार अगेन, ये देख रहे हो आप मेनू, ठीक है। तो इसको ही क्रिएट करना है, तो रिसोर्स पे आना है, राइट क्लिक करना है एंड न्यू पे क्लिक कर देना आपको। तो मैं यहाँ पे पहले राइट क्लिक कर लेता हूँ न्यू एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। यहाँ से आपको मेनू को सिलेक्ट करना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेकेंड में मेनू का ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम ओके करेंगे तो यहाँ पे मेनू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे आना है एंड यहाँ पे पढ़ना है आपको क्रिएट अ नेविगेशन मेनू डॉट एक्सएमएल। तो इस नेम को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेविगेशन मेनू। इस नेम को आपको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, प्रोजेक्ट में आना है एंड यहाँ पे राइट क्लिक करना है न्यू एंड मेनू रिसोर्स फाइल में आपको इसका नेम दे देना है, नेविगेशन मेनू। ओके एंड ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो इस नेम से फाइल क्रिएट हो जाएगी। ये होने के बाद अगेन आपको क्रोम में आना है एंड यहाँ पे नेविगेशन मेनू डॉट एक्सएमएल का कोड दिया होगा। तो आपको एक्सएमएल से तो कम्प्लीटली जितना भी कोड है उसको कॉपी करना होगा। तो मैं जल्दी जल्दी इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेनू तक ये जो कोड है उसको आपको कॉपी करना होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ, स्प्लिट बटन पर क्लिक कर लेता हूँ, कंट्रोल ए कर देता हूँ, सभी सिलेक्ट हो जाएगा, बैक स्पेस कर देता हूँ, सभी रिमूव हो जाएगा। अभी आपको कंट्रोल वी प्रेस करना है। तो आप देखोगे कि हमने कंप्लीटली जो भी कोड कॉपी किए थे वो पेस्ट हो जाएगा। ये होने के बाद आपको क्या करना है, सभी के आइकन डिफाइन करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने स्टेप सिक्स में, सॉरी स्टेप फाइव में हमने यहाँ पे लिखा है क्रिएट ऑल आइकन्स ऑफ एरर इन ड्रॉअर। तो हमें कम्प्लीटली इसका एरर रिजॉल्व करना है, मीन्स जो भी एरर शो हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एरर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने ड्रॉबल में इस नेम से कोई भी फाइल क्रिएट नहीं किया। तो इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इमेजेस प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखो आप रेड शेयर टर्म वेबसाइट मोर, इसको आपको बस फेसबुक, ये सभी को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से कंट्रोल सी से एंड यहाँ पे जाके आपको ड्रॉबल में इसको पेस्ट कर देना है कंट्रोल वी से एंड ओके बटन पे क्लिक करना है। अगेन ओके बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप देखोगे कि जितने भी हमारे इमेजेस थे वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगे एंड यहाँ पे हमारे जो भी एरर थे वेबसाइट फेसबुक रेट, यहाँ पे हमने सभी चीज़ें पेस्ट कर दिए इसलिए एरर भी रिजॉल्व हो चुका है। बट यहाँ पे हमने प्राइवेसी करके कोई भी ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा होगा। ओके, तो एक काम कर देते हैं, प्राइवेसी के नेम से खुद से हम इमेज क्रिएट करते हैं। ओके, तो इसको इमेज क्रिएट करने के लिए आपको ड्रॉबल पे आना है, राइट क्लिक करना है, व्यू पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक वेक्टर असेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिप आर्ट पे क्लिक करना है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में टाइप करना होगा प्राइवेसी करके। मैं यहाँ पे मैन्युअली टाइप कर देता हूँ प्राइवेसी,
यहाँ पे प्राइवेसी करके ऐसा कोई भी अच्छा सा इमेजेस शो नहीं हो रहा है मुझे, तो एक काम कर लेते हैं हम यहाँ पे इसको स्क्रॉल करेंगे एंड जो भी हमें इमेज बेटर लगे उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आपको स्क्रॉल करना है, तो यहाँ से मैं कोई भी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ बट एक्चुअली हाँ, तो एक काम कर लेते हैं इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे मैं लिख दे देता हूँ प्राइवेसी करके, प्राइवेसी। ठीक है, तो हमने नेम कौन सा दिया है जो यहाँ पे एरर शो हो रहा है, ओके, तो वही नेम हमने यहाँ पे प्राइवेसी करके दे दिया। आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है एंड फिनिश बटन पे क्लिक कर देना। तो जैसे प्राइवेसी करके नेम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे भी एरर कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो आई होप गाइस अभी ये भी पता चला होगा आपको कि ड्रॉवल में एक वेक्टर असेट से इमेज कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, ये होने के बाद आपको क्रोम में आना है एंड स्टेप सिक्स को फॉलो करना है। तो स्टेप सिक्स में क्या है, क्रिएट अ लेआउट ड्रॉवल लेआउट डॉट एक्सएमएल। तो इस नेम को आपको कॉपी करना होगा ड्रॉवर लेआउट के नेम से, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर लेता हूँ, प्रोजेक्ट में आ जाता हूँ एंड सबसे पहले तो मैं ड्रॉवर को इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, ड्रॉवर हमें एक लेआउट क्रिएट करनी है, तो मैं लेआउट क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होता है, लेआउट में आना होता है, यहाँ पे राइट क्लिक करना होता है, व्यू पे क्लिक करना होता है, लेआउट रिसोर्स फाइल पे क्लिक करना होता है एंड फाइल नेम में उन्हें एंटर करना होता है ड्रॉवर लेआउट एंड ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एंड अगेन आपको स्प्लिट बटन पे क्लिक कर देना, तो यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट के नेम से हमारा शो हो चुका है। तो एक काम करेंगे हम, ये जो कोड है एग्जामल से लेके, तो मैं इसको कंट्रोल सी से कम्प्लीटली कॉपी कर देता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा कंट्रोल सी से, तो आपको कहाँ तक कॉपी करना है, ये ड्रॉवर लेआउट जो है वहाँ तक आपको कॉपी करना है। तो हम कॉपी कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे कॉपी कर लिया एंड इसको हम कंट्रोल ए से बैक स्पेस कर देंगे एंड कंट्रोल वी से इसको कोड पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉवर लेआउट पेस्ट हो चुका है बट यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहे हैं। तो देखो हमें एरर को रिजॉल्व करने के लिए ये जो रेड दिखाई दे रहा है पैकेज नेम, इसको आपको चेंज करना है, मिस रिमूव कर देना, तो ये खुद ब खुद एरर रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर प्राइमरी डार्क करके हमें कलर चेंज करना होगा, मिस क्रिएट करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वैल्यूज में चले जाएंगे, कलर डॉट एग्जामल में चले जाएंगे एंड यहाँ पे हम कलर के नेम से एक क्रिएट कर लेंगे। कलर नेम हम क्या प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे जो एरर शो हो रहा है कलर प्राइमरी डार्क, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ नेम को एंड कलर डॉट एग्जामल पे मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको कलर भी चूज करना होगा, तो इसको क्लोज करेंगे हम एंड यहाँ पे हम कलर बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करेंगे हैश 3E4142 4142। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कलर प्राइमरी डार्क सिलेक्ट कर लिया है। ये होने के बाद आपको लेआउट भी सिलेक्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे शो हो रहा है लेआउट नेम हेडर। तो हम आ जाते हैं क्रोम में, इसको स्क्रोल करेंगे, हम जाएंगे भी स्टेप 7 में क्योंकि हमारा स्टेप 6 तो कम्प्लीट हो चुका है। तो स्टेप 6 में ऑलरेडी बोला है क्रिएट अ लेआउट नेम हेडर, तो हम क्या करेंगे इस नेम को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से एंड यहाँ पे हम आ जाएंगे लेआउट, यहाँ पे न्यू लेआउट रिसोर्स फाइल एंड जो हमने नेम कॉपी किया इसको पेस्ट करना होगा एंड ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अगेन आपको स्प्लिट बटन पे क्लिक करना होगा एंड अगेन आपको क्रोम पे जाना है एंड ये जो नेम हेडर डॉट एग्जामल है इसके कम्प्लीटली नेम को जो भी कोड है उसको कॉपी करना होगा। तो मैं काम कर लेता हूँ टॉप से लेके तो यहाँ तक लीनियर लेआउट तक आपको कॉपी करना है। तो हम करेंगे यहाँ से कॉपी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, कंट्रोल ए बैक स्पेस से रिमूव करेंगे कोड को, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा कम्प्लीटली कोड आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पे शो भी हो रहा है क्विज अप्लीकेशन, ठीक है, एंड जो हमारी जी मेल आई डी स्ट्रिंग में हमने पेस्ट किए थे वो जी मेल आई डी शो हो रही है एंड ऐप आइकन, तो जो एक हमारा ऐप आइकन है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारा ऐप आइकन कौन सा रहेगा, ओप्पो, सॉरी ओके, तो इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये ऐप आइकन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो ड्रॉवर यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसको ओके के नेम से एंड ये जो ऐप आइकन है इसको हम चेंज कर लेंगे सोर्स, ये जो इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसको बैक स्पेस से रिमूव करेंगे ड्रॉवर एंड यहाँ से आपको चेंज करना होगा ओके। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ से ड्रॉवर ओके,
एक्चुअली यहाँ पे एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने ड्रॉवर की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ए आपको यूज़ करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो भी आइकन रहेगा खुद ब खुद इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये होने के बाद आपको क्या करना है, क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आने के बाद सबसे नीचे स्क्रोल करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप 8 शो हो रहा होगा आपको, इन मेन एक्टिविटी डॉट जावा पेस्ट ऑल कोड। हमें यहाँ पे इस कोड का यूज करना होगा डॉट जावा फाइल में, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी से। तो आपको कंप्लीटली ये जो डिक्लेरेशन दिखाई दे रहा है इसको कॉपी कर लूँ। ठीक है, तो कंट्रोल सी करूंगा मैं, यहाँ से हम आ जाएंगे जावा में, ये जो पैकेज नेम है, एंड यहाँ पे मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आपको आना है। एंड ऐप कॉम्पैक्टिविटी जो है इसको आपको नीचे पेस्ट कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे नेविगेशन पेस्ट कर दिया है हमने। ये होने के बाद आपको क्या करना है, ये जो आर लेआउट ड्रॉवर लेआउट है इसको भी चेंज करना है। यहाँ से चेंज कर देता हूँ आर लेआउट ड्रॉवर लेआउट। ये होने के बाद अगेन आपको नीचे आना है, एंड ये जो टूल बार है इसको आपको कॉपी करना है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक काम कर लेते हैं पूरा कंप्लीटली ही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको बस नीचे तक आ जाना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ तक आपको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है। मैं इसको कॉपी करूँगा, ड्रॉवर लेआउट के नीचे आ जाऊँगा, एंड इसके नीचे कंप्लीटली कोड को मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे एरर शो हो रहा है, तो इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, बस इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना होता है अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, आपको बस ये सिलेक्ट करते जाना है। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास। ओके, तो सेम आपको करते जाना है, नीचे भी यही करना है, नो नल में आपको अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, एंड यहाँ पे भी आपको करना है मेनू आइटम में ऑल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं नेम हेडर में, तो अभी भी यहाँ पे आइकन शो नहीं हो रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसको अगेन रिमूव करेंगे, यहाँ पे अगेन हम सर्च करेंगे एट द रेट ड्रॉपल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा सर्च करेंगे ड्रॉवल एंड ओके, तो अभी हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, एंड इस कलर को भी हमें चेंज करना होगा। एक जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है कलर प्राइमरी डार्क, इसको आपको चेंज करना होगा। तो इस कलर को मैं किस में चेंज करूँगा, जो हमने स्प्लैश स्क्रीन में यूज़ किए थे, तो एक्टिविटी स्प्लैश स्क्रीन डॉट एक्सएमएल। इस बैकग्राउंड को आपको कॉपी करना है, नेम हेडर में जाना है, एंड इस बैकग्राउंड को आपको पेस्ट कर देना हैश कंट्रोल वी। तो जैसे मैं इसको पेस्ट करूंगा तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पेस्ट हो चुका है, तो नेम हेडर का हमारा वर्क हो चुका है। बट आई थिंक जो हमारी पुरानी इमेज थी वही अच्छे शो हो रही थी, ये कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है हमें। एक काम कर देता हूँ, इसको थोड़ा फिकट कर देता हूँ, यस अभी ठीक लग रहा है। ओके, ये होने के बाद अभी आपको क्या करना है, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में आना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रोल करना है, ये होने के बाद हम क्रोम में जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कम्प्लीटली स्टेप फिनिश हो चुकी है, इस हमारा नेविगेशन का वर्क हो चुका है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ कोड प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो इस कोड को आपको बस कॉपी एंड पेस्ट करना है। ये है हमारा रेट एंड शेयर का कोड, तो रेट एंड शेयर का कोड आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा रेट के कोड में, रेट का कोड में पेस्ट कर दूंगा, एंड शेयर की इसमें भी शेयर का कोड भी पेस्ट कर दूंगा। तो मैं शेयर का भी देख लेता हूँ सबसे पहले, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे भी मैं शेयर की इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे दो ब्रेक हो चुके हैं क्योंकि हमने कॉपी किए थे, तो एक ब्रेक को आपको रिमूव कर देना है। एंड यहाँ पे कुछ एरर शो हो रहा है, तो आई थिंक मे भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा इसको। तो हम सभी चीज़ को इंपोर्ट कर लेते हैं, अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, सेम आपको नीचे में भी करना है अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, वीडियो में भी आपको करना होगा आई थिंक अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास, एक्टिविटी नो फोन एक्सेप्शन में भी अल्ट एंटर इंपोर्ट क्लास। तो यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो चुका है, सेम आपको शेयर में भी करना होगा, तो शेयर में कर देता हूँ। तो अभी आपको कोई भी कुछ भी नहीं करना है क्योंकि हमारा कंप्लीटली एरर रिजॉल्व हो चुका है।
तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी हमारा जो भी नेविगेशन का ड्रॉअर का वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं प्रोजेक्ट को कनेक्ट कर देता हूँ मोबाइल डिवाइस के साथ, फिर हम रन करके देखेंगे कि हमारा जो नेविगेशन ड्रॉअर हमने इम्प्लीमेंट किया वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं कनेक्ट कर लेता हूँ डिवाइस को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मोबाइल डिवाइस को कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे शो रहा है रियलमी RMX 3395। तो अभी मैं रन ऐप पे क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे हम रन ऐप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो देख सकते हो यहाँ पे ग्रेटर बिल्ड स्टार्ट हो चुका है। तो अभी हमें वेट करना होगा ग्रेटर बिल्ड फिनिश होने तक, तो हम वेट करते हैं बिल्ड फिनिश होने तक। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है लॉन्चिंग ऐप ऑन रियलमी RMX एंड हमारे मोबाइल डिवाइस में भी ऐप अभी लॉन्च हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप लॉन्च हो चुका है क्विजियर, एंड यहाँ पे जो भी लॉगिन पेज होता है वो आ चुका है। तो एक काम कर देते हैं, मैं जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, हम दूसरी कोई भी जीमेल आईडी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, rohitghate3@gmail.com एंड यहाँ पे आपको पासवर्ड यूज़ करना होगा। तो पासवर्ड आपको रैंडमली कोई भी यूज़ कर लेना है, बस 6 कैरेक्टर के ऊपर में होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर एंटर कर देना है, ये होने के बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना। तो जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूज़र क्रिएटेड करके मैसेज आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे शो हो रहा है क्विज एप्लीकेशन एंड यहाँ पे नेविगेशन ड्रॉअर भी शो हो रहा है। तो देख सकते हो विजिट वेबसाइट रेट शेयर जितने भी हमने क्रिएट किए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं एंड हमारे होम पेज भी शो हो रहे हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि सी पे हम क्लिक करेंगे तो कहाँ पे हम रिडायरेक्ट होंगे, C++ पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे। तो हम सभी के लिए एक एक एक्टिविटी क्रिएट करने वाले हैं C++, Python, HTML सभी के लिए। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।